आपका राशन कार्ड अगर खो गया हो या फिर आपका राशन कार्ड कभी बना ही नहीं है, तो फिर इस लॉकडाउन में आप घर बैठे कैसे राशन कार्ड बनाएंगे, आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका घर का फैमिली का मेंबर का या किसी का भी राशन कार्ड नहीं है, तो ये वीडियो देख के आप घर बैठे राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई करने के बाद आपका जो डिजिटली राशन कार्ड है वो बाय पोस्ट आपके घर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा, ये मेरे तरफ से 100% गारंटी है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रसन्न हिंदी टेक। सबसे पहले अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। अगर मोबाइल से करते हैं तो सबसे पहले जो पेज है वो डेस्कटॉप साइट में सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद सर्च बटन में आइए। सर्च बटन में टाइप कीजिए WB राशन कार्ड। WB राशन टाइप करने के बाद आपका जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वो आप क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करने के बाद आपका न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पर लिखा होगा वेस्ट बंगाल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर हम लोग का फुल डिटेल्स दिया होगा। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जहां पर लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नॉन सब्सिडाइज राशन कार्ड और कॉन्वर्सेशन टू नॉन सब्सिडाइज राशन कार्ड। इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पर हम लोग का एंटर 10 डिजिट वैलिड मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम लोग का मोबाइल नंबर टाइप करना होगा और गेट ATP में प्रेस करना होगा। इसमें हम लोग का जो मोबाइल नंबर है उसमें तो OTP आएगा, वो OTP को हम लोग जो यहाँ पर नेक्स्ट पेज है इंटर OTP, यहाँ पर इंटर OTP में टाइप करेंगे और वैलिडेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। वैलिडेट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद और एक तो न्यू पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ होगा अप्लाइंग फॉर एग्जिस्टिंग डिजिटल राशन कार्ड होल्डर, जो आपका पहले से अगर राशन कार्ड है डिजिटल राशन कार्ड तो पहले उसमें क्लिक कीजिए। अगर आप न्यू राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिए। नीचे वाला ऑप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग नया राशन कार्ड बनाएंगे। उसमें क्लिक करने के बाद और एक तो न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर हम लोग का लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर नॉन सब्सिडाइज राशन कार्ड। यहां पर हम लोग का जो डिटेल्स है, जो भी फिल करना है, एड्रेस है, उसमें हम लोग पूरा फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिल करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शन है ब्लॉक, यहाँ से हम लोग का ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राम पंचायत, यहाँ पर हम लोग ग्राम पंचायत या वार्ड ये सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है विलेज, तो इसमें हम लोग का जो विलेज है वो विलेज को सिलेक्ट करना होगा। विलेज सिलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे और कुछ डिटेल्स हम लोग को फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ नोट द कार्ड विल बी डिलीवर्ड टू द गिवन एड्रेस। यहाँ पर जो भी एड्रेस दीजिएगा इसके में आपका कार्ड डिलीवर होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिन कोड, यहाँ पर हम लोग का जो पिन कोड है पिन कोड टाइप कर लेते हैं। पिन कोड टाइप करने के बाद नेक्स्ट आता है पुलिस स्टेशन, यहाँ पर हम लोग पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेंगे। पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नीचे जो ऑप्शन है ओल्ड पेपर कार्ड कैटेगरी, आपके पास अगर ओल्ड पुराना कोई रेशन कार्ड था यहाँ पर तो सिलेक्ट कीजिए। अगर रेशन कार्ड नहीं था, नया बनवा रहे तो नो कार्ड में सिलेक्ट कीजिए। इसमें सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है सिलेक्ट फेयर प्राइस ऑफ रेशन डीलर, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारा रेशन डीलर। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, विलेज ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर अगर विलेज में है तो विलेज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक वाइज है तो ब्लॉक में सिलेक्ट करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्ट फेयर प्राइस शॉप, जो आपका डीलर है वो आपका डीलर का नेम यहाँ पर शो करेगा, आप कोई भी डीलर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से डीलर नेम सिलेक्ट करके हम लोग नीचे आएंगे, जहाँ पर लिखा होगा पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर हम लोग का फुल पर्सनल डिटेल्स टाइप करना होगा। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है रिलेशन विथ HOF, यहाँ पर HOF का मतलब है हेड ऑफ फैमिली, यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट रिलेशन में हेड ऑफ फैमिली के साथ जिस एप्लीकेंट का रिलेशन क्या है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं रिलेशन क्या है। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लिए फादर है, अगर खुद हेड अगर एप्लीकेंट करता है तो यहाँ पर हेड ऑप्शन में क्लिक करने से हो जाता।
उसके बाद नीचे देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट नेम टाइप करना होगा, उसके बाद मिडिल नेम टाइप करना होगा, उसके बाद जो लास्ट नेम है उसको टाइप करना होगा। ये सब टाइप करके फिर नीचे आइए जहाँ पर लिखा हुआ है फादर्स मदर्स हस्बैंड्स नेम, यहाँ पर आपका फादर्स नेम हस्बैंड्स नेम या मदर्स नेम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है जेंडर, यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओल्ड रेशन कार्ड नंबर, अगर आपका रेशन कार्ड था पहले से वहाँ पर नंबर देना होगा। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट एपिक नंबर, आपका अगर वोटर कार्ड है तो उसका एपिक नंबर यहाँ पर लिखना होगा, टाइप करना होगा। अगर नहीं है तो नो एपिक में सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद जो पैन नंबर है आपका, अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आई ईमेल आईडी, यहाँ पर अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद सो मेंबर में क्लिक करना होगा। सो मेंबर में क्लिक करने के बाद और एक न्यू स्टेप ओपन होगा, जहाँ पर आप टाइप किए थे वह उसका फुल डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से हम लोग ऐड अनदर मेंबर में जाके और भी रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम और भी एक रेशन कार्ड अप्लाई करेंगे, तो चलिए ऐड अनदर मेंबर में क्लिक करते हैं। ऐड अनदर मेंबर में क्लिक करने के बाद और एक न्यू पेज ओपन होगा, जो पहले से हम लोग फिलअप कर चुके हैं उस सेम पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम लोग फिर से सिलेक्ट करेंगे जो रिलेशन है वो रिलेशन सिलेक्ट करेंगे, नेम टाइप करेंगे, आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब टाइप हो जाने के बाद पहले जैसे हम लोग जो सो मेंबर में क्लिक किए थे, हम लोग यहाँ से सो मेंबर में क्लिक करेंगे। सो मेंबर में क्लिक करने के बाद हम लोग का जो दो एप्लीकेशन हम लोग टाइप किए फिल किए वो दो एप्लीकेशन यहाँ पर शो होगा। ये सब दो एप्लीकेशन शो होने के बाद हम लोग जो नीचे ऑप्शन मिलता है सेव एंड व्यू एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम लोग के पास और एक टू न्यू स्टेप ओपन होगा, जहाँ पर हम लोग का टिक मार्क करना होगा डिक्लेरेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग टिक मार्क कर लेते हैं। उसमें टिक मार्क करने के बाद और एक तो हम लोग को ऑप्शन मिलता है जहाँ पर हम लोग का कैप्चा फिल करना होगा। यहाँ पर कुछ एडिशन दिया हुआ है, इस एडिशन को हम लोग सम करेंगे और सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद और एक तो न्यू पेज ओपन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस न्यू पेज में लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिया हुआ है और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर हम लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे जो डाउनलोड पे एप्लीकेशन है इसमें क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपका जो PDF फॉर्मेट में आपका पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा, शो करेगा। तो फ्रेंड्स हमारा काम ये 2 मिनट के अंदर सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया है। आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके काम में आए, तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो इस चैनल में आते ही रहता है। थैंक यू।